हेलो एवरीवन, आज जो हमें करना है वो करना है आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 19 और 1 टू 6 मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में बता दिया था आपको। प्रीवियस वीडियो पार्ट 3 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, फिर क्वेश्चंस 1 टू 6 हमने उसमें बता दिए थे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के, ठीक है। और एक बात बता रहा हूँ मैं, आज हमें करना है क्वेश्चन 7 टू 19 करने हैं। तो अगर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है या आपने लास्ट वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बट मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है या उनको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नहीं आता है, अगर वो यहाँ से वॉच करेंगे ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे ना, पॉसिबिलिटीज है कि आपको समझ में नहीं आएगा और आपका इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, ठीक है, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जो पार्ट 3 है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, उसे हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है तो फर्स्टली आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना जरूरी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 6.2 का, और क्वेश्चन 7 टू 19 हमें करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में गिवन आपको शो दैट वाई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपन 2 प्लस एक्स, एक्स मोर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है। पहले जो चीज़ें गिवन है हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। 7 में आपको क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू में आपको ये लॉग है 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है आपको कि ये हमारा जब x जब हमारा मोर देन माइनस का 1 है तो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि हमारा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन ना, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, f डैश x क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 0 होता है ना। ये हमारा किसके लिए होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर f डैश x की बात करूं तो f डैश x का मतलब, अगर f डैश x हमारा मोर देन 0 होता है तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ही है, अगर इक्वल टू साइन लग गया तो ओनली इंक्रीजिंग है, अगर मोर देन 0 है, सिर्फ मोर देन 0 है, ठीक है ना, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है आपको इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जब इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे समझेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये dy by dx इज इक्वल टू log को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपन 1 प्लस एक्स है ना, फिर 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, माइनस यहाँ पे हम क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, और आपने 2 प्लस एक्स को छोड़ दिया, फॉर्मूले से माइनस आ गया, फिर 2x को छोड़ा, आपने इसे डिफरेंशिएट किया, वैल्यू कितनी आएगी 1 है ना, होल डिवाइड में कितना है 2 प्लस एक्स इस पूरे दी होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएशन का बेसिक है, यह डिफरेंशिएशन तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ये 1 अपन 1 प्लस में आपको x है माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आपको होगा 4 प्लस 2x माइनस 2x होल अपॉन में 2 प्लस में x थी होल स्क्वायर, ये माइनस 2x, ये 2x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस में x आएगा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 2 प्लस में x थी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 प्लस में x थी होल स्क्वायर आ गया है ना, फिर ये माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, ओनली 4 बचा, तो 4 में मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 प्लस x, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 प्लस x, क्लियर इतनी बात है। इसको एक्सपैंड कर दें, आप एक्सपैंड करेंगे तो ए प्लस बी थी होल स्क्वायर, तो ये 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x हो गया आपको, फिर माइनस में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 4 माइनस में 4x है ना, होल डिवाइड में ये आपका 1 प्लस में x हो गया, फिर ये 2 प्लस में x दी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे तो पूरी बात समझ में आपको आ जाएगी। जो चीज़ें कैंसिल हो रही कैंसिल कर दें, ये माइनस 4x प्लस 4x ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास dy by dx क्या बचा, जो आपके पास dy by dx की जो वैल्यू बची है वो बचा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर बच्चा आपको 2 प्लस में x दी होल स्क्वायर, क्लियर दी बात है, 2 प्लस में x दी होल स्क्वायर। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, कब, जब x हमारा क्या हो, मोर देन माइनस 1 हो, x क्या हमारा मोर देन माइनस 1 हो। अब एक बात देखें आप,
अभी हमने बताया इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए कि एफ डैश एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को हम एफ डैश एक्स कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है ना। एफ डैश एक्स जो हो वो मोर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए, मोर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए ठीक है ना। तो हमने यहां पर लिख देंगे फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है ना, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स लिख दो या एफ डैश एक्स, बात है कि एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए ठीक है ना, जब हमारा एक्स क्या हो, वेन एक्स हमारा मोर देन माइनस वन हो, इतनी बातें क्लियर है, ये तो हमें बताना है। तो अब आप यहां पे देखें ये वाला पोर्शन, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि पूरी की पूरी पार्ट जो है ना पॉजिटिव है, अगर पूरी बात पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या मोर देन जीरो ही होगा है ना। तो आप यहां पे देखो हियर एक्स स्क्वायर हमारा ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वायर जो हमारा होगा ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ये ऑलवेज मोर देन जीरो होगा ठीक है ना, ऑलवेज क्या होगा ये ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर देन जीरो होगा, क्यों, बींग अ परफेक्ट स्क्वायर, बींग अ परफेक्ट स्क्वायर। आप देखें ये एक्स का स्क्वायर, आप एक्स जब पॉजिटिव डाल दें या नेगेटिव डाल दें वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ठीक है ना। एक्स की वैल्यू मोर देन माइनस वन है तो कुछ माइनस का भी टर्म वहां पे आ सकता है ठीक है ना, अगर नंबर लाइन आप लेंगे तो नंबर लाइन पे ये जीरो है, ये माइनस का वन है, ये वन टू थ्री है, तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको माइनस का टर्म यहाँ पे आ सकता है ना, माइनस वन नहीं ले सकते लेकिन माइनस वन से बड़ी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ सकता है ना। तो आप यहाँ पे माइनस पुट कर दें या प्लस पुट कर दें, स्क्वायर होने की वजह से हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ठीक है। और उसके बाद देखिए टू प्लस में एक्स, ये टू प्लस में एक्स दी होल स्क्वायर, ये भी मोर देन जीरो होगा, क्यों, बींग अ परफेक्ट स्क्वायर। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, कई मर्तबा मैं स्पीड में ना, जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग पूरा नहीं लिखा ठीक है ना, लेकिन मैं डिक्टेट कर देता हूँ तो आप समझ जाइएगा ये इंक्रीजिंग लिखा हुआ है ठीक है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए ये भी मेरा पॉजिटिव हो चुका है, ये भी पॉजिटिव हो चुका है, अब पूरे की पूरी बात इस पे है कि 1 प्लस एक्स क्या है, अगर 1 प्लस एक्स भी हमारा पॉजिटिव होगा तो ये तीन टर्म हमारा पॉजिटिव, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और जो हमारा कंडीशन था ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाएगा ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें कि 1 प्लस एक्स है यहाँ पे 1 प्लस जो आपका एक्स होगा, 1 प्लस एक्स जो होगा ये भी मोर देन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्स जो है मोर देन माइनस वन, ये हमारा गिवन है, ये हमारा इस कंडीशन पे एक्स की वैल्यू जो माइनस वन से बड़ी होगी तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे, माइनस वन तो आप पुट कर नहीं सकते हैं ना, अगर माइनस वन से बड़ी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं आप तो अगर जीरो पॉइंट माइनस का 0.9 पुट करते हैं, मान लीजिए 1 माइनस में 0.9 तो वैल्यू कितनी आएगी 0.1 जो कि पॉजिटिव है ना। तो अब हमने देखा कि ये भी वैल्यू हमारी क्या पॉजिटिव आ रही है, तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि पूरी की पूरी वैल्यू क्या है हमारा पॉजिटिव है ना। तो हेंस यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जो डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो मोर देन इक्वल टू जीरो हो गया है ना, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मोर देन इक्वल टू जीरो हो गया, हेंस आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है ना, थ्रू आउट इट्स डोमेन ठीक है, डोमेन क्या, एक्स की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो आप पुट कर सकते हैं, एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या है जिसे आप पुट कर सकते हैं, वो जो है माइनस वन से बड़ी वैल्यू ठीक है ना, एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी जितने भी वैल्यूज हैं जो भी पुट करें सब पे ये हमारा क्या होगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ठीक है। तो ये सिंपल है, एक बार दो बार आप लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन एट देखते हैं, क्वेश्चन एट में गिवन आपको फाइंड दी वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच y इज इक्वल टू यहाँ y इज इक्वल टू x x माइनस टू दी होल स्क्वायर हमें गिवन है ठीक है, और इसमें क्या करना है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू निकालनी जिसपे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान समझेंगे इसने क्या बोला, इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रेटली इंक्रीजिंग ओके। तो हम f डैश x की कौन सा कंडीशन अप्लाई करेंगे, मोर देन इक्वल टू जीरो वाली ठीक है, उससे पहले हमने प्लेस से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने से पहले काम यहाँ पे ये कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, x को मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर माइनस में ये 2x है ये स्क्वायर आएगा ठीक है। y आपके माइंड में अगर ये बात चल रही होंगी सर हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे सिंपलीफाई करना है कहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो आपको एक वर्ड पता होगा प्रैक्टिस, आप दो बार तीन बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली समझ में आया जाएगा कहाँ पे क्या करना है ठीक है ना। तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है और स्टडी करनी पड़ती है ठीक है, जरा सा स्टडी कीजिएगा सारी बात आपको समझ में आ जाएगी ठीक है, और होपलेस होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको डी वाई वाई डी एक्स हो गया है ना, तो हम पहले पावर टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू आ गया, ये पूरी वैल्यू एज इट इज रह गई ठीक है ना, तो इसे डिफरेंशिएट किया पूरी वैल्यू आ गई। तो पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद हम फंक्शन जो अंदर का इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और माइनस 2x डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2 आएगा ठीक है। अब हमने देखना है इसमें क्या क्या कॉमन हमारा आ रहा है, तो हमने देखा इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने यहां से अच्छा पहले यहां देखिए यहां से 2 कॉमन आ रहा है, अगर यहां से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा 4 है ना, अगर मैं यहां से एक्स कॉमन निकालूंगा तो एक्स यहां आ गया ठीक है,
अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखना है, x माइनस में 2, क्योंकि हमने यहाँ से x कॉमन निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन निकाल लिया है, 2 कॉमन निकाला, तो हमारे को यहाँ पर x माइनस का 1 बचा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। और हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है, उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर दी क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं 0 से, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारी पूरी वैल्यू देखो, एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये 4x है और x माइनस में 2 है और x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो ये देखे यहाँ से अगर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो x वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला वर्क क्या होता है कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस नंबर लाइन पे यहाँ क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये हमारा क्या, प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी इस क्वेश्चन में रेंज नहीं गिवन है कि कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब हमने देखना क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है ना। तो पहले हम 0 लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, फिर हमने 2 लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे को कितने इंटरवल बन गए, 1, 2, 3, 4, हमारे को यहाँ पे 4 इंटरवल्स बन गए, ठीक है ना। इस बात को समझेंगे यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करें, एक टेबल बनाए आप, और इस टेबल में आप यहाँ पे क्या लिखें, इंटरवल लिख लें, और यहां पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और यहां पे नेचर आएगा आपको, नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये यहां पे आएगा, ठीक है ना। अब इस बात को यहां पे समझेंगे, इंटरवल हमारा यहां पे क्या क्या है, देखें आप, इंटरवल आपका है माइनस इन्फिनिटी से 0 पहला, दूसरा आपका है 0 to 1, फिर इसके बाद आपका यहां पे गिवन है 1 to 2, क्लियर है, और फिर आपको है 2 to infinity, ठीक है। ये चीज़ें हमारे को यहाँ पे आ गई। तो हमने यहाँ पे देखिए, हमने इंटरवल ले लिया, इंटरवल लेने के बाद यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे हमें चेक करना है कि किस इंटरवल में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। जिस इंटरवल में पॉजिटिव होगा वो हमारा इंक्रीजिंग होगा, जिस पे ये हमारा नेगेटिव होगा वो हमारा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो अब समझना यहाँ पे ये है कि अब देखिए माइनस इन्फिनिटी और 0, अब हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो हमने क्या करना है कि इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो आप, कहाँ पे, एफ डैश एक्स में, याद रखेंगे हमेशा एफ डैश एक्स में पुट करना है। एफ डैश एक्स मीन्स ये, यही तो हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। हमें एफ डैश एक्स में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अगर 0 और इन्फिनिटी के बीच में अगर मैं पुट कर दिया सपोज माइनस का 1, अगर मैं माइनस 1 पुट कर दूंगा तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस 1 माइनस 2 ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस 1 नहीं माइनस रहेगा, ठीक है। ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2 ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब अगर मैं यहाँ पर एफ डैश माइनस 1 पुट कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 आ रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखना। अच्छा, चेक करने का एक तरीका ये भी है, आप ऐसे ना लिखकर आप यहाँ पे क्या लिखते हो, नेगेटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर आप चेक कर सकते हैं कि वैल्यू मोर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम, अगर मैंने यहाँ पर 0 और 1 के बीच में कोई, ये वाला क्या पार्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है ना। अच्छा, 0 और 1 के बीच में इंटरवल देखते हैं क्या होता है। 0 और 1 के बीच में आप कुछ भी एक ले सकते हैं, 0 और 1 के बीच में 1/2 आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे 1/2 पुट करूँ तो ये पॉजिटिव, 4 तो पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा, समझेंगे यहाँ पे। अच्छा, 1/2 माइनस में 2, इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये 1/2 और माइनस का 1, इसे भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो एफ डैश 1/2 पुट करने पे वैल्यू क्या आ रही है, मोर देन 0, तो ये हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 1, अच्छा ये वाले पार्ट पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 1 से 2 पे देखना है क्या हो रहा है, 1 से 2 पे हमारा इंटरवल आ सकता है जिसके बीच की इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे, 1 और 2 में इन्फिनाइट पॉइंट्स आएंगे, कोई भी एक पॉइंट आप मेंशन कर लो। तो 3/2 अगर हमने मान लिया, 1 और 1/2 के बीच में 3/2 कोई पॉइंट अगर हम ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एफ डैश 3/2 पुट कर लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है 3/2 पुट कर, है ना, 3/2 पे ये हमारा पॉजिटिव रहेगा,
थ्री बाई टू पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा, थ्री बाई टू पे ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब ये हमारा नेगेटिव आया मीन्स लेस देन जीरो आया, इस पर हमारा ये डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। इसके बाद बात होती है टू से इन्फिनिटी तक, टू से इन्फिनिटी में ये वाला इंटरवल हमारा डिक्रीजिंग है। टू से इन्फिनिटी में कुछ भी पॉइंट ले लिया, अगर हमने सपोज यहाँ पर एफ डैश थ्री ले लिया, ठीक है ना, इसके बीच की कोई वैल्यू थ्री पुट कर दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थ्री पुट करता हूँ तो थ्री पुट करने पे ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ये थ्री माइनस टू ये भी पॉजिटिव, थ्री माइनस वन ये भी पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव आ रहा है मीन्स ये मोर देन जीरो है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला था निकालने के लिए हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग होता है तो हम क्या करते हैं क्लोज इंटरवल लेते हैं ना, क्लोज लेते हैं, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग होता है एफ डैश एक्स क्या होता है मोर देन इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब पे क्लोज आना चाहिए। पहले हम आंसर एक बार देख लेते हैं, आंसर में क्या दिया है क्लोज पे, हालांकि यहाँ पे क्लोज पे नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है स्ट्रेटली इंक्रीजिंग इसे ट्रीट कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो बायोलॉजिकल तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज इंटरवल आना चाहिए, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटली इंक्रीजिंग नहीं बोला है, सिर्फ बोला है इंक्रीजिंग, लेकिन पीछे जो आंसर दे रखा है वो आंसर आपको दे रखा है स्ट्रेटली इंक्रीजिंग के फॉर्म पे, ठीक है ना। हो सकता है मिसप्रिंट कर दिया होगा ये, ठीक है ना। अगर आप इसे स्ट्रेटली इंक्रीजिंग ट्रीट करेंगे तो ही आपका आंसर ये वाला और ये वाला होगा, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेटली इंक्रीजिंग पे। अगर सिर्फ डिक्रीजिंग अगर हम ट्रीट करेंगे, ध्यान समझेंगे मैं यहीं पे कैटेगराइज कर देता हूँ, अगर मैं बोलूँगा कि ये हमारा स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फोर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा इंटरवल होना चाहिए एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना, एक्स इसके लिए हमें एक्स बिलोंग करना चाहिए कहाँ पे जीरो टू वन, और यूनियन कहाँ से टू से इन्फिनिटी, इतने इंटरवल पे ये हमारा क्या है स्ट्रेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अगर बट ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोनों तरफ कॉन्ट्राडिक्ट किया रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीजिंग और आंसर जो दिया है बुक में वो दे रखा है स्ट्रेटली इंक्रीजिंग के फॉर्म में, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता, इंक्रीजिंग फंक्शन होता तो हम यहाँ लिखते हैं फोर फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एक्स जो हमारा बिलोंग करता, अब ये जो हमारा ओपन इंटरवल को हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं जीरो टू वन, जीरो टू, जीरो टू वन और यूनियन टू पे हमारा क्लोज लगेगा, बट हमें पता है कि इन्फिनिटी पे क्लोज नहीं लगता है तो ये ओपन रहेगा, ठीक है। तो फोर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा इंटरवल ये होगा, है ना, और स्ट्रेटली इंक्रीजिंग के लिए, और स्ट्रेटली इंक्रीजिंग के लिए हमारा आंसर ये होगा, ठीक है ना, ये हमारा इंटरवल होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड इंटरवल हमारा ये होगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है ना, क्वेश्चन में आपको दिया इंक्रीजिंग दिया हुआ, आपको देखिए इंक्रीजिंग दिया हुआ है बट आंसर में हमें ये दे रखा है पीछे में, ठीक है ना। तो आपको मैंने दोनों आंसर लेके दिखा दिया है, ठीक है ना। अगर इंक्रीजिंग, अगर मैम ने बोला नहीं इंक्रीजिंग है हमें क्लोज इंटरवल लेना था, कोई बात नहीं आप क्लोज ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर कहीं क्वेश्चन में एनसीईआरटी में मिसप्रिंट हो, वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखना था, उसने बाय मिस्टेक सिर्फ इंक्रीजिंग लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। अगर स्ट्रिक्टली लिखना होता तो फिर हमारा आंसर ये होता, अगर हाँ अगर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग होता तो इंटरवल में यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ऐसे लगता है, ऐसे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। अभी हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम जो चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है ना। इस बात से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ठीक है ना, स्पेशली इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है तो आप यहाँ पे स्ट्रेटली का साइन एस लगा दो कि स्ट्रेटली इंक्रीजिंग और स्ट्रेटली डिक्रीजिंग के लिए आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 9 है, और 9 में वाई इक्वल टू फंक्शन गिवन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल गिवन है। प्रूव करना है कि हमारा क्या है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले जो मैंने 8 करवाया था उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड मत होइएगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 में आपका क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फंक्शन, आप पीछे में जो आंसर दे रखा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बेस पे दे रखा है। या तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन को इंक्रीजिंग फंक्शन को ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग ही दिया हुआ है, तो आंसर जो निकालेंगे आप
वो क्लोज इंटरवल में ही निकाल देंगे, ठीक है ना। पीछे आंसर क्या दे रखा है उसे मैटर नहीं करता, जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करेंगे, जो आपको पीछे आंसर आया था ना, तो उस आंसर में आप क्लोज इंटरवल लगा देंगे, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है, ठीक है। इतनी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हाँ स्ट्रेटली इंक्रीजिंग होता तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन आपको बता दिए थे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए, इसमें बोला इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा 0 से π/2, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसे सिंपली डिफरेंशिएट करना है। पहले से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको dy/dx होगा। u बाय v का फॉर्म लगाएंगे तो 4 साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने 4 कॉस थीटा होगा, और आपने v वाले पार्ट को छोड़ दिया नीचे वाले पार्ट को। फिर माइनस इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 प्लस में कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो गया, और ऊपर वाले पार्ट 4 साइन थीटा को आपने एज इट इज छोड़ दिया। होल डिवाइड में आपको 2 प्लस में कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, फिर माइनस है थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, वैल्यू 1 आएगी, है ना। क्योंकि थीटा को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी dy/dx नहीं dy/dθ होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो dy/dθ, तो हम ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना, नॉट एक्स की फंक्शन थीटा के फॉर्म में, ठीक है। वी गेट, तो अब यहाँ से देखेंगे, अब हम इससे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अगर आप इसका एलसीएम आप लेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये आपको 2 प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर है, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4 cos 4 to the 8 cos थीटा, फिर मल्टीप्लाई कीजिए प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस में हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये पूरी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होने पे ये 2 प्लस में cos थीटा दी होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात है, अब देखें ये 8 cos थीटा है, इसमें से प्लस का 4 कॉमन निकाल लें तो ये cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस में आपको हो गया sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस है, अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो कितना का 4 प्लस में 4 cos थीटा, और फिर प्लस में cos स्क्वायर थीटा, बट ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अगर माइनस लगाएंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, छोटी छोटी बात को अब याद रखेंगे बच्चे, इसमें ही गलती बहुत कर जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ गलतियाँ नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, है ना। तो नीचे में कितना आपको है, 2 प्लस cos थीटा दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका 8 cos थीटा माइनस का 4 cos थीटा, तो आपको यहाँ पे क्या बचा, 4 cos थीटा, ठीक है। ये प्लस में ये 4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, ये माइनस का आपका 4 है, ये तो माइनस कर चुके हो, माइनस में क्या बचा आपका cos स्क्वायर थीटा, होल डिवाइड में आपका 2 प्लस में cos थीटा दी होल स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे को यहाँ भी cos थीटा है, यहाँ भी cos थीटा है ना, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है इसे, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा कॉमन निकालेंगे आप, अगर आप ये dy/dθ है, अगर आप cos थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और फिर माइनस में cos थीटा बचेगा, फिर ये वाला पार्ट, है ना। तो यहाँ पे बचा आपका 4 माइनस में cos थीटा, और डिवाइड में क्या था आपको, 2 प्लस में cos थीटा दी होल स्क्वायर। और हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ थीटा इन 0 से π/2, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, इट विल बी, या ऐसा करेंगे, हमें तो ये प्रूव ही करना है कि हमारा क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा, जब हमारा क्या है 0 से π/2 के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये प्रूव करते हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, सब पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस इंटरवल पे वो थीटा जो बिलोंग कर रहे इस इंटरवल पे ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसका मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आप सबसे पहले देखिए 2 प्लस में cos थीटा, जैसे अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन 7 में कि 2 प्लस में cos थीटा का स्क्वायर ऑलवेज मोर देन 0 क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। देखिए होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे बींग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 माइनस में cos थीटा, 4 माइनस में cos थीटा की वैल्यू भी मोर देन 0 होंगी, क्यों होंगी, हमें पता है कि cos थीटा का जो रेंज होता है, cos थीटा मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। cos थीटा जो आपको लाई करता है, cos थीटा जो है इसकी जो वैल्यू होती है, इसको लीस्ट वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है ना। -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो प्लस का 5 हो जाएगा, जो कि मोर देन 0 होगा। अगर आप +1 भी पुट करते हैं तो प्लस का 3 होगा, मोर देन 0 होगा, है ना। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो अब देखिए ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव है, पूरा काम वर्क कहाँ पे आ गया, cos थीटा पे। अब हमें देखना है cos थीटा क्या हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे
कॉस थीटा की वैल्यू भी मोर देन जीरो होगा, क्यों? क्योंकि यहां पे देखें थीटा की वैल्यू बिलोंग कर रही है जीरो से पाई बाई टू में, और जीरो से पाई बाई टू में क्या होता है आपको कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शंस के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, जीरो ये पाई बाई टू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी छह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इस सारी के सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। देयरफॉर हमारा यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा जो है वो क्या हो गया मोर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारा इंक्रीजिंग की बात की जा रही है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया मोर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू ले ली, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाय टू पुट करेंगे तो पाई बाय टू पे जीरो होगा, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इक्वल टू जीरो दिखाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल दे रखा है, क्लोज इंटरवल आप जैसे दे रखे हैं तो आप जीरो को भी यूज करना है पाई बाय टू को भी यूज करना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कह भी रहा है कि इंक्रीजिंग है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है, ठीक है। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। इन थीटा जब हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, चाहे आप यहां पर लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज, है ना, देयरफॉर फंक्शन जो हमारा है, सॉरी देयरफॉर फंक्शन इज, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ऑन थीटा जो हमारा बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई बाई टू में, ठीक है ना। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। हमें ये शो करना था और प्रूफ करना था, हमने इससे प्रूफ कर दिया, ठीक है। इससे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्लियर रहती बात है। इसके बाद हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 में गिवन है प्रूफ दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रेटली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। तो आपको जीरो से इन्फिनिटी में आपको बताना है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो आपका स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एफ एक्स इज इक्वल टू में, ये हमारा log x है और हमें बताना है कि जब x हमारा बिलोंग करता है जीरो से इन्फिनिटी में तो ये हमारा क्या है स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कोई नहीं, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा 1/x। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे बात, ये 1/x आ गया और x हमारा जीरो से क्या है इन्फिनिटी है, जीरो नहीं ले सकते, ओपन इंटरवल जीरो है, ठीक है ना। ऐसे भी जीरो यहाँ पुट करेंगे तो नॉडिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ओपन इंटरवल है तो हम जीरो नहीं ले सकते हैं, तो जीरो से जितनी भी बड़ी वैल्यू है आप यहाँ पे पुट करेंगे, वन तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एक हमारा पॉजिटिव में आया हुआ है या इससे पहले नेगेटिव नहीं है, ठीक है कि नहीं। और जीरो से बड़ी वैल्यू जितने भी पुट करेंगे हमेशा हमेशा क्या होगा कंप्लीट वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है कि हमें प्रूव करना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो हमारा स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है, तो यहाँ लिखेंगे कि हेयर 1/x जो है वो मोर देन जीरो है फॉर ऑल x belongs to 0 से इन्फिनिटी, ये बस सफिशियंट कंडीशन हो गया, ठीक है ना। देयरफॉर एफ डैश एक्स जो हमारा है मोर देन जीरो है, देयरफॉर है ना, हेंस या आप यहां लिखते हैं जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रेटली इंक्रीजिंग ऑन, ठीक है ना, जीरो से जीरो टू इन्फिनिटी, है ना, जीरो टू इन्फिनिटी पे हमारा क्या हो गया स्ट्रेटली इंक्रीजिंग हो गया, ये अप्रूव हो गया, ठीक है। बस इतनी काम करना था इसमें, छोटा सा था ये, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज नीदर स्ट्रेटली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रेटली डिक्रीजिंग ऑन माइनस वन टू वन, ठीक है। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 फिर से पढ़िए, देखिए क्या उसमें गिवन है, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अब वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को मीनिंग समझा करें क्या पूछ रहा है वो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन आपका गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का वन, और ये बोल रहा है कि माइनस वन और वन में जो हमारा इंटरवल जो है एक्स जो बिलोंग कर रहा है माइनस वन से वन में जो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल पे हमारा ना तो स्ट्रेटली इंक्रीजिंग होना चाहिए ना ही ये स्ट्रेटली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात ये है कि अगर हमें प्रूफ करना है कि माइनस वन और वन के बीच में ना तो ये स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है ना तो स्ट्रेटली डिक्रीजिंग है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि इस इंटरवल में माइनस वन से वन में एफ डैश एक्स की वैल्यू मोर देन जीरो भी आ रहा है और एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो भी आ रहा है, ये कंडीशन बता रखा था मैंने कि अगर किसी इंटरवल में किसी भी इंटरवल में अगर आपको
जो एफ डैश एक्स है डेरिवेटिव की वैल्यू मोर देन जीरो भी आए और लेस देन जीरो भी आए तो वैसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। बस इतनी कंडीशंस को याद रखिएगा। चलिए हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2x माइनस में 1 आएगा और इसके बाद हम करेंगे फोर क्रिटिकल पॉइंट्स। आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स को इक्वेट कीजिए जीरो से, तो यहाँ से एफ डैश एक्स 2x माइनस 1 इक्वल जीरो, एक्स की वैल्यू आपको 1/2 आ गया। अब देखिए नंबर लाइन अगर मैं लूँ तो नंबर लाइन में अरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपको होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन जो हमारा इंटरवल गिवन है माइनस 1 से 1 है तो हमने माइनस 1 से 1 की को कंसीडर कर देते हैं, ठीक है ना। ये माइनस 1 से ये आपका क्या है 1 है और ये 1/2 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये 1/2 कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इंटरवल हमारा 2 हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, ठीक है ना, इस इंटरवल पे है ना, तो आप इसको प्रॉपर कर ही लीजिए, ठीक है ना। आप टेबल बना लीजिए, टेबल बनाने के बाद आप यहाँ पे इंटरवल लिख लीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स लिख दें और यहाँ पे इसका नेचर लिख दें, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंटरवल बने, एक इंटरवल बना है माइनस 1 से 1/2 ओपन है इसलिए माइनस 1 से 1/2, फिर कितना आएगा 1/2 to 1, है ना, 1/2 to 1, है ना। अब देखें यहाँ पे इस इंटरवल में कुछ भी वैल्यू पुट करके देखें, अगर माइनस 1 और 1/2 के बीच में इधर में कुछ जीरो भी आ सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूँ तो माइनस का 1 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब यहाँ आएगा इस वाले प्लेस पे क्या नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, स्ट्रेटली डिक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रेटली डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर मैं 1/2 मीन्स 0.5 और ये हमारा 1 है, 0.5 और 1 के आगे में क्या 0.6 पुट कर सकते हैं, 0.7 पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0.6 पुट करते हैं तो ये 1.2 हो जाएगा, 2 × 0.6 तो कितना आ गया 1.2, 1.2 में से माइनस 1 करेंगे तो कितना 0.2 आएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ पे कि माइनस 1 और 1 के बीच में माइनस 1 से 1 है, हमने इंटरवल को दो पार्ट, हालांकि माइनस 1 से 1 ही तो हमें लेना है, तो इसमें हमने देखा कि किसी पार्ट पे डिक्रीज कर रहा है और एक पार्ट पे जाकर वो इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। हम लिखेंगे इट इज स्ट्रेटली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रेटली डिक्रीजिंग इन माइनस 1 to 1, देयरफॉर इट इज नॉट स्ट्रेटली इंक्रीजिंग और स्ट्रेटली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, आप लैंग्वेज को से मेंशन कर लीजिएगा, आप मेंशन सिंपली यहां पे कीजिएगा कि इट इज स्ट्रेटली डिक्रीजिंग माइनस 1 to 1 एंड स्ट्रेटली इंक्रीजिंग 1/2 to 1, ठीक है ना। देयरफॉर इट इज नॉट, देयरफॉर इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर, therefore it is neither strictly increasing nor strictly decreasing function, ठीक है ना। बस सिंपल सा चीज है, ये मेंशन आप खुद से कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन करें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, क्वेश्चन 12 में गिवन है which of the following functions are strictly increasing on 0 to π/2, तो हमारा इंटरवल क्वेश्चन 12 है, इंटरवल इसमें गिवन है आपको 0 to ओपन इंटरवल 0 to π/2, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है और इसमें आपको ए बी सी डी चार ऑप्शंस गिवन है, बताना है कि इस इंटरवल में 0 से π/2 में कौन कौन से फंक्शन हमारा स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है, सॉरी स्ट्रेटली डिक्रीजिंग फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रेटली डिक्रीजिंग, है ना। तो देखिए ए ऑप्शन में आपका क्या गिवन है, हमने लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू में आपका कॉस एक्स है, हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ डैश एक्स जो आपको आएगा ये माइनस का साइन एक्स आ गया, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे हमें पता है कि 0 से π/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑन 0 to π/2, इस वाले इंटरवल में साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बट हमारा यहाँ पे क्या है, ये साइन एक्स पॉजिटिव है और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस प्लस क्या माइनस हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ऐसे लिख दें साइन एक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑन 0 से π/2, इस इंटरवल पे हमेशा पॉजिटिव होगा, तो माइनस का साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लेस देन 0, तो यहाँ पर देयरफॉर एफ डैश एक्स आपका क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। अब ये लेस देन 0 हो गया तो ए ऑप्शन में क्या होगा, हमारा स्ट्रेटली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। देयरफॉर फंक्शन जो आपका है, आप यहाँ पे ऐसे लिख दे cos x is स्ट्रेटली डिक्रीजिंग इन, या स्ट्रेटली डिक्रीजिंग
ऑन 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 में हमारा स्ट्रेटली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा हो गया। अब बी में चेक करना है कि बी में क्या होता है। तो बी वाला पॉइंट देखिए, बी में हमने एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू में हमारा है कॉस 2x। बहुत फास्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉस 2x में देखेंगे, इससे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने में आपको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में आपको आएगा माइनस का साइन 2x, फिर इनटू में 2, तो 2 को हमने पहले लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारा ये, इसमें कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑन 0 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे हमारा x ना होकर ये क्या है, 2x है। अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है, एफ एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाई 2 में, तो ध्यान से देखें इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू मोर देन हमारा 0 है और लेस देन पाई बाई 2 है ना। इस इंटरवल को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और पाई बाई 2 से छोटी है, ठीक है। बट हमने देखा यहाँ एंगल में 2x है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 रहेगा, ये 2x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करने में 0 ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा कितना आ गया, 0 से पाई आ गया। अब ध्यान से समझेंगे, 0 टू पाई, ये 0 डिग्री यहाँ पे होगा, पाई डिग्री यहाँ पे, और यहाँ पाई बाई 2 होगा, ठीक है। अब ये सो साइन 2x है, इस वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, दोनों जगह साइन 2x हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। ये फंक्शन जो हमारा है, ये फंक्शन हमारा इस वाले में भी और इस वाले में, दोनों में पॉजिटिव होगा। हमने यहाँ पर लिख देना है साइन 2x, साइन 2x इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव कहाँ होगा ये हमारा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इफ 2x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जब हमारा 2x बिलोंग कर रहा है आपको 0 से पाई में, इफ 2x हमारा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई में, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे कि हमारा जो साइन 2x हमारा पॉजिटिव आ रहा है, बट ये क्या है, माइनस का, तो माइनस से पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको माइनस हो जाएगा, बट माइनस 2 साइन 2x जो है वो लेस देन 0 है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेस देन 0 होने की वजह से जो ये मेरा फंक्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेटली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। देयर फोर फंक्शन इज, या आप लिख दे कॉस 2x है ना, कॉस 2x इज स्ट्रेटली डिक्रीजिंग, ठीक है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके बाद हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में आपको क्या गिवन है, कॉस 3x है, तो हम इसका सी पार्ट देखते हैं। तो आप पहले से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सी पार्ट इसका देखते हैं, ठीक है ना। इसका सी पार्ट में गिवन है कॉस 3x, तो सी पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, लेट कर लिया, एफ एक्स हमारा कॉस 3x है, क्लियर इतनी बातें। तो कॉस 3x में आपको हमने डिफरेंशिएट करना था, एफ डैश एक्स आपका होगा माइनस का 3 इंटू में साइन 3x, क्लियर इतनी बातें। अभी माइनस का 3 इंटू में साइन 3x है, तो अब यहाँ पे देखना है हमारा कि ये हमारा किसके लिए, x जब हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है। जब x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x हमारा क्या है, 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है, ठीक है। बट यहाँ पे एंगल में 3x है, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, ये लेस देन 3x, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअली आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। तो ये आपको क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, क्लियर है ना। एक बात को बिल्कुल ध्यान समझेंगे, 0 और पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है, इसलिए x की वैल्यू मोर देन 0 है, लेस देन पाई बाई 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होता तो हम यहाँ पे इक्वल का साइन देते, ठीक है। अब एंगल में 3x है, यहाँ 3x है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करने में 0 रहेगा, ये 3x हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे आपको ये समझिए, इसे आप, ये 0 डिग्री होगा, ये पाई बाई 2 होगा, ये पाई और 3 पाई बाई 2 आपको यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे इस वाले में तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान से समझेंगे आप। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका है साइन 3x पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब किसी इंटरवल पे वो, मतलब 0 से पाई पे ही हमारा इंक्रीज कर रहा है, और फिर आपको पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नहीं यहाँ पे सनी, सॉरी, ये इस पे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाले इंटरवल पे ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस वाले पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपने क्या बताया कि एक इंटरवल में, जो इंटरवल हमारा क्या है, 0 से 3 पाई बाई 2 है, ठीक है ना, अगर इस इंटरवल पे
किसी पॉइंट पे हमारा इंक्रीज कर रहा है, किसी पॉइंट पे जाकर वो डिक्रीज कर रहा है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हमने इसे कैसे मेंशन करना है, यहां पे देखिए, यहां पे हम जीरो से पहले पाई लेंगे, ठीक है ना। हमने यहां पर लिखना है कि यहां पे माइनस का 3 sin 3x जो हमारा है वो हमारा लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो क्यों है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहां पे हमारा जो है f डैश x है वो क्या है, आपको लेस देन जीरो है, ठीक है। ये हमारा लेस देन जीरो हो गया कब, जब हमारा x जो है वो बिलोंग कर रहा है, x का क्या यहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, जीरो टू पाई में ये बिलोंग कर रहा है। फिर यहां पे लेना है नेक्स्ट क्या लेना है हमारा, कि माइनस का 3 into sin 3x, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है ना। सॉरी, यहां पे हमें मेंशन करना क्या है कि आपका माइनस का 3 sin 3x, हाँ, ये पूरी वैल्यू क्या है, मोर देन जीरो है। ये मोर देन जीरो क्यों है, क्योंकि इस वाले इंटरवल पे पाई से लेकर 3π/2 में आप खुद देखें यहां पर ये नेगेटिव है, ये फंक्शन जो साइन जो होता है, ये साइन यहां पर नेगेटिव होता है, ये पहले से नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे व्हेन एक्स हमारा कहां बिलोंग करता है, पाई से लेकर 3π/2, इसमें हमारा क्या होता है कि ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से ध्यान समझेंगे, ये माइनस का 3 है और इसकी वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने यहां पे देखा कि यहां पर एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो मोर देन जीरो है। अब किसी इंटरवल पे हमारा क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, किसी पे ही हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है ना। न तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसमें आपको करना था 12 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो ए तो हमारा था, बी था, बट सी हमारा नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक ऑन डी। तो डी पे देखिए, हमें लेट कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू में आपको है tan x। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये f डैश x इक्वल में आपका आ गया sec स्क्वायर x, ठीक है ना। अब यहां पे देखें, ये sec स्क्वायर x है, तो आप खुद देखें, अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। sec x की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा यहां पे स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। फिर भी हमने चेक कर लेना है यहां पे, ठीक है ना। चेक करें ना करें, आप यहां पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि आप मेंशन करना sec स्क्वायर x क्या होगा, मोर देन जीरो होगा, ठीक है ना। व्हेन x हमारा कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 to π/2, ठीक है, कि इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहां बिलोंग करने के बाद ये नेगेटिव ही होता है ना, तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ही हो जाता है, ठीक है ना। खैर, अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हम इस पे काम करते हैं। तो sec स्क्वायर x की वैल्यू मोर देन जीरो है, मींस f डैश x की वैल्यू जो है मोर देन जीरो है, तो यहां पे क्या है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट हमें क्या निकालना था, डिक्रीजिंग। तो यहां पे ये डिक्रीज नहीं कर रहा है ना, यहां पे डिक्रीज नहीं कर रहा है, मींस हमारा जो ऑप्शन होगा ए और जो बी है, इन दोनों पे हमारा डिक्रीज कर रहा था, मतलब इस पे फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा था, ठीक है। सी पे क्या हुआ हमारा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और डी पे हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ए और बी पे हमारा क्या हो रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। दैट्स द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13 है। 13 में गिवन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन एफ गिवन वाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें बताना है कि ऑन विच इंटरवल, है ना, जो भी आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन गिवेन है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। पहले क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर है। 13 में हमारा एफ एक्स गिवेन है एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक है। और ऑप्शंस गिवेन है, एक ऑप्शन ए गिवेन है, और ए में गिवेन है 0 to 1, फिर आपको बी गिवेन है, और बी में गिवेन है ओपन इंटरवल π/2 to π, सी में गिवेन है आपको 0 to π ओवर ओपन इंटरवल 0 to π/2, और डी में गिवेन है none of these, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा गिवन है 13 में, और इसमें हमें क्या बताना है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ एक्स एक्स की पावर 100 प्लस दिस इज
स्टेटली डिक्रीजिंग, हमें बताना है कि किस इंटरवल पे हमारा ये स्टेटली डिक्रीजिंग है। बहुत सिंपल सा काम है, आपको यहाँ से क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये आपको 100x की पावर 99, फिर प्लस में ये आपको कॉस एक्स हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ से हमने सबसे पहले यहाँ पे इंटरवल ले लेना है ए, हमने इंटरवल ए पे चेक करना है ऑन 0 to 1, इस पे चेक करना है हमारा ये होता क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा एक वर्क है जिसको करने के बाद हम बहुत आराम से इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 100x की पावर 99, अगर आप देखेंगे 100x की पावर 99 ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर देन 0 होगा। क्यों होगा? कि आपको 0 और 1 के बीच की वैल्यू पुट करनी है, x की जो भी वैल्यू पुट करनी है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव है, ठीक है, और x के पहले कुछ भी नेगेटिव नहीं गिवन है, तो इसके बीच में 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, तो कंप्लीट पॉजिटिव होगा, ये आएगा मोर देन 0 होगा। ठीक है, अब बात आती है दूसरी आपकी cos x की, ठीक है ना। अब यहाँ पे cos x की वैल्यू भी मोर देन 0 होगा। cos x की वैल्यू 0 से मोर देन क्यों होगा, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आपको यहाँ से समझ लें। ठीक है, आपको पता है कि 0 से ये हमारा 1 है, अगर आप क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे पाई बाई 2 होता है। ठीक है, पाई मीन्स अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई मीन्स कितना, 3.14। ठीक है, ये डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2, अगर इसे सॉल्व करेंगे आप तो 1.57 आएगा। मीन्स यहाँ पे जो आपका आ रहा है, जहाँ पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 क्या है, 1.57, समझेंगे ध्यान से। ठीक है, अब ये 0 से 1.57 और ये हमारा यहाँ पे क्या 0 to 1 है, तो 0 to 1 कुछ यहाँ पे आएगा। अगर ये वाला लाइन हमारा 1.57 है तो 0 to 1 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, अब बताएं 0 से 1 में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स हमारा क्या आएगा, मोर देन 0 होगा। क्यों, यहाँ पे लिख देंगे एक्स इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। एक्स हमारा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्लियर है, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर कॉस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। कॉस एक्स जो हमारा है ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कॉस ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हमारा कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, मोर देन 0 होगी। ठीक है, इतनी बात है। अब यहां पे देखें, ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया और ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया, देयरफॉर 100x की पावर 99 प्लस में कॉस एक्स की जो वैल्यू हो गई मोर देन 0, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मोर देन 0 हो गई। और हम इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 13th में, हमें निकालना है स्टेटली डिक्रीजिंग। तो हमारा जो ये है ए ऑप्शन में हमारा डिक्रीज नहीं कर रहा है, हमें डिक्रीजिंग निकालना था, बट हमारा आंसर क्या आया, स्टेटली इंक्रीजिंग है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है कॉस क्या है आपको, ये फंक्शन जो आपका है, देयरफॉर फंक्शन इज स्टेटली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में को गिवन है 0 to π/2 से पाई गिवन है। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं, बी वाले ऑप्शन में हमारा गिवन है π/2 to π। ठीक है, इतनी बात है। और हमने जो इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा यहाँ पे क्या आया है, डिफरेंशिएट किया है तो हमारे को आया 100x की पावर 99 प्लस में कॉस एक्स, क्लियर इतनी बात है। अब इस पर हमें चेक करना है कि इस पर क्या होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कि पाई बाई 2 से पाई हमारा है, ये हमारा पाई बाई 2 है और ये हमारा पाई है, इसको अच्छे से समझेंगे आप, ये हमारा पाई बाई 2 है, दिस वन इज पाई। अब पाई की वैल्यू कितनी होगी आपको, 3.14, और इसकी वैल्यू भी हमने बताया आपको, ये हमारा क्या, 1.57। ठीक है, अब आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं इसकी बात करूं 100x की पावर में 99, ये हमारा मोर देन 0 होगा ऑन, ये हमारा मोर देन 0 होगा ऑन पाई बाई 2 to π, ये पाई बाई 2 से लेकर पाई पे क्या होगा, ऑलवेज मोर देन 0 होगा। क्यों मोर देन 0 होगा, अगर आपने पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 मींस ये आपका है 1.57, पाई बाई 2 मींस 1.57, अगर यहाँ पे 1.57 आप पुट करेंगे उसकी पावर 99, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, आप देखो कितनी बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, तो 0 से काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। तो इसके बीच की वैल्यू हमें बेसिकली पुट करना है, ठीक है ना। तो 1.57 और 3.14 के बीच में कुछ भी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर देन 0 आएगा। ठीक है, तो आप इतना लिख कर दिखा देंगे, इट्स द मोर देन सफिशियंट, तो ये हमारा 100x की पावर 99 मोर देन 0 है इस इंटरवल पे। चलिए हम यहाँ से कॉस के लिए देखते हैं, तो ये जो हमारा कॉस एक्स है,
तो हमने देखा हमारा इंटरवल है पाई बाई टू से पाई, हमारा इंटरवल है ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी, एक्स की वैल्यू मोर देन पाई बाई टू है और हमारा क्या है लेस देन पाई है। तो आप बताएं एक्स कहाँ लाई कर रहा है, पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई लाई कहाँ कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इट मीन्स दैट कि हमारा कॉस एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। देयर फोर कॉस एक्स इज नेगेटिव, ये कॉस एक्स हमारा नेगेटिव होगा। अब बात ये आती है कि कॉस का रेंज क्या होता है, समझोगे। यहाँ पे हमें पता है जो कॉस एक्स जो होता है वो मोर देन इक्वल टू माइनस वन होता है और लेस देन इक्वल टू वन होता है। तब बिल्कुल ध्यान समझेंगे, कॉस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस का वन होता है ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इज माइनस वन। अब बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन है और यहाँ पे 100 एक्स की पावर क्या है 99 है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हमने कहा 1.57 या 3.14 से जो भी वैल्यू पुट कर दें बहुत बड़ी वैल्यू होगी। आप खुद इमेजिन करो कितनी बड़ी वैल्यू होगी, आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो ये जो 100 एक्स की पावर 99 है ये माइनस वन से कितनी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि कॉस एक्स की जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वो माइनस का वन आएगा ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, यहाँ पे सेंस सेंस 100 एक्स की पावर 99 इज मच मच ग्रेटर देन माइनस वन ठीक है ना। मींस 100 एक्स की पावर 99 की जो वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू होगी, किसे माइनस वन से होगी ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर आपका यहां पे 100 एक्स की पावर 99 प्लस में कॉस एक्स क्या होगा मोर देन जीरो होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू काफी बड़ी है और ये अगर यहाँ पे माइनस भी है कॉस एक्स वैल्यू नेगेटिव माइनस वन भी डालेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, मींस मोर देन जीरो हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज क्या होगा, यहाँ पे जो फंक्शन हमारा है, जो फंक्शन हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा इज स्टेटली इंक्रीजिंग ठीक है ऑन किस पे पाई बाई टू टू पाई ठीक है। तो ये पाई बाई टू से पाई पे आपका स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ठीक है ना। तो हमें डिक्रीजिंग निकालना था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले इंटरवल पे भी हमारा क्या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ठीक है ना। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको सेकेंड वाला पार्ट सी वाला पार्ट करवाता हूं ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हम सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, यहां पे सॉरी सी वाले पार्ट में देखते हैं क्या है। सी वाले पार्ट में 0 टू पाई बाई 2 है ठीक है, सी वाले पार्ट में आपको गिवन है 0 टू पाई बाई 2 है और हमारा एफ डैश एक्स यहाँ पे है 100 एक्स की पावर 99 प्लस में कॉस एक्स, क्लियर थी बातें। अब यहाँ पे देखें बहुत सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे भी सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो आपका 100 एक्स की पावर 99 जो है वो मोर देन जीरो है, क्या है मोर देन जीरो, जीरो और पाई बाई टू, जीरो और पाई बाई टू देखें कि ये जीरो है और पाई बाई टू यहाँ पे है ठीक है। तो पाई बाई टू पे कितना आएगा 1.57, जीरो और 1.57 में से अगर इसके बीच में कोई वैल्यू वन पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी 100 आ जाएगी और 100 कितना है मोर देन जीरो है ठीक है ना। तो 100 एक्स की पावर 99 मोर देन जीरो है किस पे, ऑन जीरो टू पाई बाई टू, इस इंटरवल पे हमेशा क्या होगा मोर देन जीरो होगा। और इसके बाद यहाँ पे कॉस एक्स की बात आती है, अगर मैं कॉस एक्स की बात करूँ तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एक्स हमारा क्या है मोर देन जीरो है और लेस देन कितना है पाई बाई टू है, जीरो से पाई बाई टू है तो एक्स हमारा क्या है मोर देन जीरो है और लेस देन हमारा पाई बाई टू है। अब ये देखिए जीरो से पाई बाई टू कहाँ पे है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स लाइज इन, अगर आप ये भी नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ नून है कि एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस एक्स इज पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा कॉस एक्स क्या है पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। देयरफॉर यहाँ पे आपका क्या आएगा कि 100 एक्स की पावर 99 प्लस में कॉस एक्स क्या आएगा मोर देन जीरो। तो यहाँ पे भी फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमें क्या निकालना था स्टेटली डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन का कौन सा होगा डी वाला होगा, नन ऑफ दिस ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों पे हमारा स्टेटली इंक्रीज कर रहा था डिक्रीज कर ही नहीं रहा था, दैट्स वाई आंसर विल बी नन ऑफ दिस, द ऑप्शन इज डी ओके। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है आपका, इसमें गिवन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ
such that function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on इंटरवल 1 टू 2 है ना। इसमें कह रहा है फंक्शन गिवन है, ये हमारा इंटरवल 1 2 है, तो आपको बताना है कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा a के वो कौन सी लिस्ट वैल्यू है, a के लिस्ट वैल्यू आपको फाइंड करना है जिस पे ये फंक्शन हमारा क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन को ध्यान समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमारा एक फंक्शन गिवन है, इसमें a टर्म आ रहा है, तो a की लिस्ट वैल्यू पे आपको निकालना है कि फंक्शन हमारा क्या स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है। चलिए हम कुछ नहीं करते, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x कितना आएगा, 2x प्लस में a आएगा, तो 4 स्ट्रेटली इंक्रीजिंग, 4 स्ट्रेटली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, f डैश x को मोर देन 0 पुट करते हैं, है ना। f डैश x हमारा क्या है, f डैश x हमारा 2x प्लस a है, तो ये हमारा 2x प्लस a जो हो गया मोर देन 0, तो आप यहां से x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या माइनस ए बाई टू हो जाएगा। अब यहां से बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको एक करने के एक तरीके और भी मैं बता दूंगा, है ना। x हमारा क्या है माइनस ए बाई टू, और यहां पे देखें x का जो हमारा रेंज है वो क्या है माइनस, सॉरी x का जो इंटरवल है हमारा वो कहां पे है, इंटरवल जो हमारा दे रखा है 1 से 2 दे रखा है। अब यहां पे देखिए आप, तो यहां पर x हमारा क्या है मोर देन 1 है, ठीक है, और लेस देन 2 है, ठीक है, क्योंकि हमारा ओपन इंटरवल है, ठीक है। अब एक बात देखना यहां पे ये है कि हम a की वैल्यू क्या पुट करें कि ये इसे सेटिस्फाई करे। तो अब यहां पे देखें, यहां पे ध्यान से समझेंगे, यहां से ध्यान से यहां समझेंगे आप, ठीक है ना। तो अगर हम यहां पे लिख दें वी नोटिस दैट ठीक है, लिस्ट वैल्यू हमें ये तो निकालना, लिस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच ठीक है गिवन फंक्शन इज स्ट्रेटली इंक्रीजिंग ऑन 1 टू 2 इज माइनस का 2, ये क्या हो गया आंसर माइनस 2 डायरेक्ट कैसे आप निकाल दिया, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखो, ये हमारा a है, अगर a के प्लेस पे अगर आप यहां पे समझेंगे, ठीक है ना, इसको करने के तरीके और भी हैं बट आप ध्यान से समझोगे यहां पे। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां a है, x हमारा क्या था यहां पे, x हमारा मोर देन माइनस का a बाई 2 है, अगर आप a की वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे, लिस्ट वैल्यू मींस a की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2, अगर मैं यहां पे माइनस 2 पुट कर दूंगा तो ये पहले से माइनस है, ठीक है, फिर ये माइनस 2 तो प्लस में 2 बाई 2, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ऐसा ध्यान से यहां पे देखें, अगर ये x हमारा है ये मोर देन माइनस माइनस का 2 बाई 2 है ना, तो x हमारा क्या मोर देन 2 बाई 2 हो जाएगा कैंसिल, x हमारा कितना आएगा, x यहाँ पे आएगा मोर देन 1, तो देखें यहाँ पर x हमारा क्या मोर देन 1 है ना, तो जो कंडीशंस गिवन है उसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो उसके लिए a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2, तो हेंस लिस्ट वैल्यू ऑफ a इज माइनस 1, माइनस 1 पे ही हमारा ये क्या होगा स्ट्रिक्टली, सॉरी माइनस 1 नहीं माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस का 2। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो लिस्ट वैल्यू ऑफ a जो आपका आया है माइनस का 2, इसका मतलब आप समझ लें, ठीक है, ये 0 है, ये माइनस 1, ये माइनस 2, यहाँ माइनस 3 भी होगा, माइनस 4, ये माइनस का इन्फिनिटी तक, ठीक है, यहाँ आप 1, 2 से आप प्लस का इन्फिनिटी ले ले, ठीक है। लिस्ट मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, ऐसे, ठीक है, इस साइड जाएगा, ठीक है ना, माइनस 2 या 2 से बड़ी वैल्यू। अब हमारा फंक्शन जो डेरिवेटिव किया था 2x प्लस में a है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, आपको समझ में प्रैक्टिकली समझ में आ जाए, आपका आंसर तो माइनस 2 आ चुका है बट आप समझे प्रैक्टिकली कि हो क्या रहा है, ठीक है ना, क्या पूछना चाह रहा था ये। अगर ये हमारा f डैश x जो हमारा है वो क्या है 2x प्लस में a है, और हमने क्या बोला आपको क्या प्रूव करना है कि ऑन जो हमारा x है 1 टू 2 के बीच की जो वैल्यू है, तो a की कौन सी वैल्यू आप यहाँ पे लिस्ट वैल्यू पुट करो जिसपे ये हमारा क्या हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, किस इंटरवल में 1 टू 2 में। तो अब हमने क्या बोला a की वैल्यू हमारा क्या है माइनस 2 है, तो चलो ये f डैश x है ना, ये 2x है और a के प्लेस पे हमने माइनस 2 पुट कर दिया इसके लिस्ट वैल्यू। अब आप इस इंटरवल में से x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा,
देखिए वन से एक बड़ी वैल्यू ले लो, अगर आपने 1.1 ले लिया सपोज, है ना, अगर आपने x की वैल्यू एट x की वैल्यू 1.1 ले लिया, तो यहां पुट कर दो आप, तो 2 1.1 माइनस 2, तो कितना का ये 2.2 माइनस 2, ये 0.2 जो कि पॉजिटिव है, मतलब ये हमारा क्या है, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है। और भी वैल्यू ले लें आप ऐसा करें, एक पॉइंट और लेके चेक कर ले इसके बीच में, ना कोई भी एक पॉइंट ले लें, वन से बड़ी वैल्यू और टू से छोटी वैल्यू, सपोज हमने एट एक्स की वैल्यू ले ली 1.9, तो अगर 1.9 यहाँ पुट करेंगे तो एफ डैश 1.9 अगर पुट करते हैं, ठीक है, अगर 2 × 1.9 − 2, तो ये आपका 3.8 − 2 है ना, 3.8 में से अगर आप −2 − करते हैं तो कितना आएगा आपको, 1.8 आएगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आपने समझ में आया ना, तो लीस्ट वैल्यू जो हमारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए थी, −2, क्लियर थी बात है। अच्छा अब समझा रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, प्रैक्टिकल आप समझे, ठीक है ना। अगर लीस्ट वैल्यू −2 हमारा आंसर आया, आंसर हो गया, क्रॉस चेक करने के लिए अगर मैं इसके इधर की वैल्यू ले लूँ, सपोज हमने −3 ले लूँ, क्या ले लूँ, −3। अब समझो अगर आपने a की वैल्यू अगर आपने −3 ले लिए होते तो क्या होता, हम इसको आपको यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर a की वैल्यू −3 लेते, है ना, जो कि नहीं है, हमारा पता है कि आंसर ये हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको क्रॉस चेक करवाता हूं, तो जहां पर a है वहां पे −3 आएगा, तो आप देखिए 2x − 3 होगा, f डैश x की वैल्यू, है ना, जो आपका f डैश x है, ठीक है, वो 2x − 3 होगा। अगर आप यहां पे 1.1x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे 2.2 आएगा, कितना आएगा, 2.2 माइनस में कितना 3, अब देखिए वैल्यू नेगेटिव आ गई, डिक्रीज कर गया ना, हमें स्ट्रेटली इंक्रीजिंग चाहिए। तो आपके माइंड में एक बात होगा, सर आपने 1.1 लिया था ना, अगर 1.9 लो, अगर मैं 1.9 लूंगा 3.8 आएगा, तो 3.8 − 3 अब तो पॉजिटिव आ गया सर, आप तो नेगेटिव कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपने सेम इंटरवल में क्या निकाला, एक निकल गया नेगेटिव, एक निकल गया पॉजिटिव। अब याद करो किसी पॉइंट पे इंक्रीज किसी पे डिक्रीज, उसे क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, हमें बात किसकी करनी है, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग, समझ में आई बात ना। तो कंडीशंस क्या था कि ए की जो लिस्ट वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रहा है अच्छे से, वो हमारा क्या कंडीशन, वो −2 है, जो लिस्ट वैल्यू होगी वो −2 होगा। ये बातें समझ में आ गई आपको, बस सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है ना। अब इसे आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अपने लिए नोट करना है तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपका क्वेश्चन ये था, आप इतनी पार्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम 15 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 गिवन है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम −1 to 1। ये डिसजॉइंट क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। कैन आई प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 1 + 1/x² इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो आपको बताना है कि ये जो इंटरवल है उस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेट आई बी दी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम −1 to 1। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा इंटरवल आई है, ठीक है ना, इंटरवल जो हमारा आई है आपका वो डिसजॉइंट है फ्रॉम −1 to 1। अगर मैं एक यहाँ पे बनाऊँ नंबर लाइन, ये −∞, ये प्लस का इन्फिनिटी, ये हमारा −1 है, ये 1 है। मतलब ये हुआ कि यहाँ ये डिसजॉइंट है, मतलब हमें −1 और 1 की वैल्यू इसमें से नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है, −∞ से −1 और 1 से ∞ लेना है, क्योंकि −1 से 1 पे क्या हमारा ये डिसजॉइंट है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम −1 to 1। तो −1 से 1 पे क्या है, ये डिसजॉइंट है, ठीक है। तो हमें इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, हमें फंक्शन क्या गिवन है, जो फंक्शन है, तो अच्छा आप इंटरवल क्या बनाएंगे, जो आपका इंटरवल आएगा, ठीक है ना, तो इंटरवल क्या आएगा, −∞ से आपको −1 आएगा, फिर यूनियन कितना आएगा, 1 to ∞। इस पे ही तो प्रूफ करना है हमें कि हमारा क्या है, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन fx = x + 1/x। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा 1 − 1/x², ठीक है। फिर इसके बाद आप 4 क्रिटिकल पॉइंट ले लीजिए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं 0 से, ठीक है ना। तो ये 1 − 1/x² को इक्वेट कीजिए 0 से, तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी आपको 1 = 1/x², तो x² = 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ±1, है ना। तो नंबर लाइन तो मैंने पहले ही बना के आपको दिखा दिया था, चलिए फिर भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ,
तो ये आपका माइनस का इन्फिनिटी और ये हमारा इन्फिनिटी, ये माइनस वन और ये वन, हमें तो माइनस वन और वन पे लेना ही नहीं है, ठीक है ना। और हमें क्या प्रूव करना है कि हमारा क्या है, स्टेटली इंक्रीजिंग है। अगर हमें ये प्रूव करना है तो हमने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इंटरवल ले लीजिए आप, ये हमारा इंटरवल है ठीक, और ये साइन ऑफ एफ डैश एक्स हो गया, और यहाँ पे इसका नेचर हो गया, ठीक है ना, नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है, समझेंगे यहाँ पे। अब इंटरवल अगर आप लेना चाहते हैं तो ये क्या हमारा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन है, देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन है, अगर आप माइनस वन से वन लेना चाहते हैं माइनस वन से वन ले लें, कोई दिक्कत नहीं, फिर वन से इन्फिनिटी है। हालांकि हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा इस पे हमारा क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ऑटोमेटिकली इस पे डिक्रीजिंग ही आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन में, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसके बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन के बीच में, सपोज हमने माइनस टू पुट कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वन है, ठीक है, ये माइनस है, और माइनस टू अगर यहाँ पुट करेंगे माइनस टू का स्क्वायर कितना, फोर आएगा, सॉल्व करेंगे तो थ्री बाई फोर आएगा, थ्री बाई फोर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये हमारा, अगर मैं एफ डैश माइनस टू पुट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव मीन्स मोर देन जीरो आ रहा है, मोर देन जीरो आने का मतलब क्या है, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर माइनस वन और वन के बीच में जीरो आएगा, सपोज हमारा माइनस वन और वन के बीच में जीरो, जीरो तो पुट नहीं कर सकते डिवाइड में, ठीक है ना, कोई और वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं सपोज यहाँ पे ले लिया आपको माइनस वन और वन के बीच में, सपोज हमने ले लिया वन बाई टू, अगर आपने एक्स की वैल्यू वन बाई टू ले हुए यहाँ पे, तो वन माइनस में वन बाई टू मीन्स क्या, वन बाई फोर हो गया, तो वन माइनस में फोर मीन्स माइनस का थ्री, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया है ना, नेगेटिव आने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है वन से इन्फिनिटी में, आपको ले ले पॉइंट टू ले ले, थ्री फोर कुछ भी ले ले, सपोज अगर आपने यहाँ पे वन से टू मीन्स वन से इन्फिनिटी में अगर आपने सपोज प्लस का टू ले लिया है ना, प्लस का टू ले लिया, तो टू पुट करते ही फोर होगा, इसको सॉल्व करेंगे आपको पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो मोर देन जीरो आ गया, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें कह इसमें क्या कह रहा था, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है, हमारा आई तो यही है ना, तो यस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, ये हमारा आई पे क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमारा प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे इंक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है, और हमारा इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी, और इस पे हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रेटली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, ओके। 16 में गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है इज स्ट्रेटली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 एंड स्ट्रेटली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 में देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं आपको गिवन है लॉग साइन एक्स, क्लियर है, हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने पे वन बाई साइन एक्स हो जाएगा आपको, फिर साइन एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और कॉस बाई साइन आपका हो गया ये कॉट एक्स, क्लियर दी बातें। अब यहाँ पे क्या है, हमने इसे पॉइंट ए भी मान लेते हैं, अगर मैं पॉइंट ए मान लूँ और हमारा इंटरवल कितना है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, और इस पर प्रूफ करना है कि हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अब यहाँ पे देखें 0 टू पाई बाई 2 में जो हमारा कॉट एक्स है, कॉट एक्स जो हमारा होगा, जहाँ आप यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दीजिए, एक्स जो हमारा है ये मोर देन जीरो है और लेस देन पाई बाई टू है, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयर फोर कॉट एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट एक्स इज पॉजिटिव, अगर कॉट एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, मीन्स कॉट एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोर देन जीरो, कॉट एक्स हमारा क्या होगा, मोर देन जीरो, आप ये भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कॉट एक्स जो हमारा है वो मोर देन जीरो होगा, देयर फॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, मोर देन जीरो, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ऑन आपका कौन सा इंटरवल है, 0 टू पाई बाई 2, इस पर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका बी पार्ट में क्या बोला है, पाई बाई 2 टू पाई पे ये हमारा क्या डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो इसका बी पार्ट हमने खुद से बना लिया है, ऑन पाई बाई 2 टू पाई, क्लियर है, पाई बाई 2 पे पाई पे हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स हमारा यहाँ पे हेयर
एक्स जो हमारा है मोर देन पाई बाई टू है और लेस देन पाई है, तो एक्स आपका लाई कहाँ कर रहा है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट आपका ये है, ये पाई बाई टू टू ये पाई है, ठीक है ना, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है और यहाँ पे आपका एक्स लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स की वैल्यू है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एफ डैश एक्स आपका है कॉट एक्स है ना, तो कॉट एक्स हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉट एक्स की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी, कॉट एक्स जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, देयरफॉर फंक्शन जो आपका है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई टू टू पाई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 16 था ये, 17 देखिए, कह रहा प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज लॉग कॉस एक्स है, बस यहाँ पे लॉग साइन एक्स था, वहां पे लॉग कॉस एक्स है, 17 में यहाँ पे आपको गिवन है लॉग, 17 में गिवन आपको है लॉग कॉस एक्स गिवन है, ठीक है ना, और डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस है, आप इसको खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही आप कराएगा, ठीक है ना। बस 17 में क्या कह रहा है कि 0 टू पाई बाई टू में क्या है हमारा स्ट्रेटली डिक्रीजिंग है, बहुत सिंपल, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो कितना आएगा 1 बाई कॉस एक्स आएगा, और फिर कॉस करने पर कितना माइनस का साइन आएगा, है ना, तो साइन बाई कॉस माइनस का टेन एक्स हो जाएगा, है ना, हालांकि माइनस का टेन है, करना खुद से ही, आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहा हूँ मैं। तो हमारे फर्स्ट वाले में 0 से पाई बाई टू में है, तो x हमारा 0 से पाई बाई 2 में, तो x हमारा लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पे माइनस का cot x है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे tan x हमारा क्या होगा मोर देन 0 होगा, बट है क्या हमारा माइनस का tan x है, तो माइनस का tan x क्या हो जाएगा, माइनस का tan x लेस देन 0 हो जाएगा, तो जब माइनस का tan x लेस देन 0 हो जाएगा आपका, तो f डैश x की वैल्यू लेस देन 0, तो ये वाले पे क्या होगा 0 से पाई बाई 2 में क्वेश्चन 17 के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इस वाले पे क्या होगा इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और पहले से यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है मैंने थोड़ा स्पीड बता दी आपको, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 में गिवन है प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 100 है ना, और क्या प्रूफ करना है इन R, मतलब प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है R में, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं बोला, सिर्फ बोला इंक्रीजिंग, ठीक है। तो फंक्शन देखिए 18 में एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 100, क्लियर है। तो हमने क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट कर लेना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स जो आपको होगा वो 3x स्क्वायर होगा माइनस 6x प्लस में 3, आप 3 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, इसे मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे आप, तो ये 3 है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस का 1 है ना, तो ये 3 हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है, आप खुद देखें यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव है और एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर आ गया, ये भी पॉजिटिव होगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करें, रियल नंबर कुछ भी आएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है इंक्रीजिंग है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ऑन आर, ये हमारा आर पे क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, समझे, बहुत सिंपल है, ये भी पॉजिटिव है, अब यहाँ पर नेगेटिव भी पुट करेंगे तो नेगेटिव 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 होगा और नेगेटिव का स्क्वायर क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हमने मेंशन कर दिया कि ये जो हमारा है, चाहे आप एक स्टेप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक, इतना होने के बाद बेस्ट होगा कि आप ये ना लिखकर डायरेक्ट पहले आप यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एफ डैश एक्स जो हमारा होगा मोर देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा हमारा रियल नंबर पे, इसके बाद आप यहाँ लिख देंगे फंक्शन जो हमारा है इज इंक्रीजिंग मोर देन इक्वल टू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑन आर, ऐसे भी जीरो आएगा ना, अगर एक्स जगह पे अगर वन पुट करेंगे आप, रियल नंबर है ना ये, तो वन पुट करने में वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो या जीरो से बड़ी पे, ठीक है ना, ये हमारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। 18 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 में गिवन है इंटरवल इन विच वाई इक्वल टू
तो 19 में क्या गिवन है, द इंटरवल इन विच y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। अच्छा आपको यहाँ ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी, आपको चूज करना है इन चारों में से कौन सा होगा। ठीक है ठीक है, पहले हम चेक करते हैं 19 में आपका वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इंटू ई की पावर माइनस एक्स है, इसमें प्रोडक्ट लगा दें, डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इसे तो ये आपका फाइनली कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 2x हो गया e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दें आप, e की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करें तो e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए माइनस का 1। ठीक है तो e की पावर माइनस एक्स इसमें से कॉमन आप निकाल लें, e की पावर माइनस एक्स तो आपका यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा माइनस में एक्स स्क्वायर है ना। तो अब इसमें से x कॉमन निकालें तो e की पावर माइनस एक्स इंटू में ये होगा x 2 माइनस में एक्स, क्लियर इतनी बातें। तो ये हमारा dy by dx हो गया। तो इसके बाद हमने क्या करना होता है, फोर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें इसमें निकालना है, इंक्रीजिंग निकालना। ठीक है तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, f डैश x मतलब dy by dx की वैल्यू को इक्वेट करेंगे 0 से। अच्छा e की पावर माइनस एक्स एक्स 2 माइनस एक्स क्या हमारा आएगा इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, e की पावर माइनस एक्स है ना, देखो बात को ध्यान समझेंगे, e की पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब x की जगह पॉजिटिव पुट करें या आप नेगेटिव पुट करें, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर एक्स, e हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू पुट करें ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये हो सकता है कि जो वैल्यू होगी वो 1 से काफ़ी छोटी होगी या 1 से काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 0 और इसको इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, तब हमारा इंटरवल कितना गया 0 से 2, कितना गया 0 टू 2, 2 हमारा पॉइंट आ गया। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरवल बनाइए, ये आपको होगा माइनस का इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी और ये 0 और ये 2 है ना। तो इसके बाद हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना, झटपट कर लेते हैं, टेबल बनाते हैं, हो जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे हमने इंटरवल लिखा, समझ में आपको आ ही चुका इंटरवल होगा, यहाँ पे साइन ऑफ फंक्शन होगा एफ डैश एक्स होगा, है ना, और यहाँ पे आपका नेचर ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है, आप राइटिंग में मजा आएगा, समझ जाइए हमने क्या लिखा है। ठीक है, अब देखिए इंटरवल हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो है पहला, दूसरा है जीरो से टू है, और थर्ड है हमारा टू से इन्फिनिटी है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, माइनस इन्फिनिटी और जीरो में कोई भी एक वैल्यू ले लो, अगर माइनस इन्फिनिटी जीरो में हमने माइनस का वन ले लिया तो ये माइनस यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो ये वैल्यू माइनस पुट करने के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस का ये तो नेगेटिव रहेगा, या माइनस पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पे आपका फाइनली कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारा लेस देन जीरो हो रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा था, हो क्या रहा था यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप ऐसा करके बाद में बता दें कि नेगेटिव फाइनली आ रहा है। ठीक है, या आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एव डैश माइनस वन पुट किया है, हमारा वैल्यू लेस देन जीरो आ गया, बस खत्म, नेगेटिव आया लेस देन जीरो। जीरो और टू के बीच में कोई भी एक वैल्यू पुट कर दें, अगर मैं सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू वन पुट कर दिया, वन पुट करने के बाद हमने बताया एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, वन भी पॉजिटिव, टू में से वन क्या वन वो भी पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव, अगर हमने एफ डैश वन पुट किया तो पॉजिटिव वैल्यू मोर देन जीरो आ रहा है। देखो ऐसे भी कर सकते हो, वन पुट करने पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव, मतलब आप ऐसे देख सकते हो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए हमारा क्या गया फाइनली पॉजिटिव, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। अब क्या है, टू से इन्फिनिटी में हम सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया थ्री पुट करने पे ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, और यहाँ पे थ्री पुट करेंगे तो टू माइनस थ्री माइनस का वन नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कितना आ गया फाइनली नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, तो इस पे हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया, क्लियर है, लाइव अब तो लिखे रहोगे इतना समझ में आपको आ चुका है। तो इस पे हमें क्या निकालना था, इंटरवल इन विच वाई एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, तो आप देखिए इंक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, बस एक इंटरवल है जीरो से टू, तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब आपका एक्सरसाइज 6.2 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है ना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया, 15 हो गया, ठीक है ना,
और फिर उसके बाद क्वेश्चन इसमें एक और है, 13 हो गया। पीछे में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8, 9, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स करना मत भूलिएगा आप, ठीक है ना। आप एग्जांपल्स वगैरह खुद से करेंगे, अगर एग्जांपल्स आपसे नहीं होता है तो देन यू हैव टू मैसेज मी, ठीक है ना। आप मुझे मैसेज करना, तो AOD जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर बाद में मैं आपको इसका एग्जांपल्स वगैरह जो भी है मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। बट आपको बताना पड़ेगा कि आपने किया है, आपसे हुआ या नहीं हुआ है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम मैं ये बता रहा था कि ये जो हमारा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसके बाद वाला जो आपका टॉपिक है वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इसके बाद हम करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। तो अब इसे आप नोट कर लीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, डू शेयर टू एवरीवन, सबको शेयर करें, ठीक है ना। खुशियाँ बांटें और खुद भी खुश रहें, ठीक है।